वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होती है ये आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम हो और मॉलिकुलर वेट भी कैसा हो, सेम हो, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ठीक है। तो देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम मॉलिकुलर वेट, वही चीज़, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए, टू होमोलोग, मतलब होमोलोगस सीरीज का मॉलिक्यूल, होमोलोगस सीरीज का मेंबर। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ही फैमिली के मेंबर्स, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब जैसे अपनी एल्केन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट जो कंपाउंड है वो क्या है, मैथेन। इसके अंदर हमने CH2 ऐड किया तो कितना हुआ, C2H6 दूसरा मेंबर बन गया। अब ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मॉलिकुलर फार्मूला भी अलग अलग है और मॉलिकुलर वेट भी अलग अलग है। तो आप कौन से कर सकते हैं, तो देखिए ये लिखा हुआ है, टू होमोलोग्स एंड पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज के कभी भी आइसोमर्स नहीं होते हैं। टू होमोलोग्स मतलब कोई से भी होमोलोग्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के हैं, वो क्या, वो आइसोमर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए, आइसोमेरिज्म टू टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके अंदर देखिए सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब मॉलिकुलर फार्मूला तो उसका सेम है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, उसकी स्टीरियो देखते हैं। स्टीरियो क्या होती है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो देखिए, सेम तो मॉलिकुलर फार्मूला होगा लेकिन उसका डिफरेंट डिफरेंट कैसे होंगे, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, या फिर जो भी ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा उनका, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे आते हैं चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है मेटामेरिज्म, फिफ्थ है अपने टोटोमेरिज्म। तो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म जिसके अंदर कंपाउंड का सेम तो मॉलिकुलर फार्मूला है ना, सेम तो मॉलिकुलर फार्मूला है बट डिफरेंट क्या है, कार्बन स्केलेटन। अब जैसे इसके अंदर देखिए, इसमें क्या है, पेंटेन, तो 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन है ना इसका स्केलेटन, जो वर्ड रूट लेंगे अपन कौन सा लेंगे, पेंटेन लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखी जो ट्रेन थी, जो कार्बन चेन थी वो कौन सी थी, ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4 ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2-methyl butane, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए इसके अंदर हम देखते हैं क्या है, प्रोपेन, तो 1, 2, 3 कौन सी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, प्रोपेन वाली, तो 2,2-dimethyl propane, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट कौन सा आता है, देखिए नेक्स्ट आता है आप लोगों का पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम एंड या फिर फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बन स्केलेटन। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 1 पोजीशन पर, तो 1, 2, 3 ठीक है। अब तुमने सोचा होगा कि यहाँ से क्यों नंबरिंग की है, यहाँ से क्यों नहीं की, 1, 2, 3 अरे भाई फंक्शनल ग्रुप जहाँ दिखेगा वहीं से हम चाय पिलाएंगे, तो 1, 2, 3 ये नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, प्रोपेन 1 all, ठीक है। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, देखिए सेकंड पोजीशन पर है ना, कार्बन चेन सेलेक्ट की, कौन सी पोजीशन पर आया, सेकंड पोजीशन पर, तो पोजीशन अलग हो गई। देखो चेन तो वही है, प्रोपेन है, प्रोपेन है, ठीक है, नंबर डिफरेंट हो गया, इसमें 1 पोजीशन पर है, इस पर 2 पोजीशन पर है, ठीक है। ऐसे अपन पहचान लेते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर्स है या फिर अपना कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर अपन ने कैसे पहचाना, उसकी कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाता है, मतलब वर्ड रूट हुआ है, जो वर्ड रूट होता है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको अपन एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसके अंदर जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे इसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा,
ठीक है, इन दोनों का एल्कोहल और ईथर का, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आई मीन के मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेंगे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, एल्काइन और एल्काडाइन का मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड एल्कोहल इनका भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, और एसिड और एस्टर दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। हम फर्स्ट की बात करते हैं एल्कोहल और ईथर। ठीक है, एल्कोहल और ईथर के अंदर जैसे हमने इसका फर्स्ट कंपाउंड बनाया CH3 CH2 CH2 और OH लिया। ठीक है, इसका जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C3। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8 H8 और O। ठीक है, अब इसका ईथर बनाए हम, ये क्या बन गया ईथर, इसका भी जनरल फॉर्मूला यही होगा 1 2 3 3 कार्बन, कितने हुए हाइड्रोजन 3 3 6 2 8। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिल रहा है, OH फंक्शनल ग्रुप, और इसके अंदर कौन सा मिल रहा है ईथर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स, है ना। ये अपन को लर्न रखना है कि ईथर एल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, या फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आई मीन्स देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आई मीन्स, है ना। अब इनके अंदर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, तो 1 डिग्री आई मीन्स CH3 CH2 CH2 NH2, ये 1 डिग्री अमीन है। अब इसको सेकेंड डिग्री 2 डिग्री अमीन के अंदर चेंज करें तो CH2 NH CH3 इसके अंदर चेंज हो जाएगा। अब 3 डिग्री अमीन के अंदर चेंज करें, 3 डिग्री अमीन के अंदर चेंज करें तो ये तीनों आपस में कैसे हुए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हुए, तो ये कौन सा हुआ 1 डिग्री, ये कौन सा हुआ 2 डिग्री, और ये कौन सा हुआ 3 डिग्री अमीन हुआ, है ना। तीनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब ये इनका जनरल फॉर्मूला देखें क्या हुआ, C3 कितने कार्बन है, 3 है, और H कितने हैं गिन लीजिए 3 2 5 6 7 8 9, और नाइट्रोजन इसके अंदर भी काउंट कीजिए 1 2 3 3 3 2 5 6 7 8 9, और इसके अंदर भी आप काउंट कर लेना, कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए थर्ड आता है आप लोगों का, थर्ड देख लेते हैं कौन सा है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड को मैं यही बता देती हूँ, देखिए CH3 CN, जब कार्बन चेन का कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो डायरेक्टली कार्बन से तो साइनाइड, और जब कार्बन चेन का कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो नाइट्रोजन से तो क्या होगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला है। ठीक है, एल्काइन और एल्काडाइन, एल्काइन देखिए एल्काइन क्या होते हैं पता है सबको, CnH2n-2। ठीक है, अब इसका मैंने लिया C4H6। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखें फोर्थ नंबर डाल देती हूँ इसको, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन, तो देखिए ये हुआ है ना C4H6, तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, काउंट कर लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 6 H6। अब इसका हमको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है डाइन वाला, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एल्काडाइन है। ठीक है, क्या नाम है इसका 1,3-butadiene। ठीक है, अब इसके अंदर काउंट कीजिए हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 4 5 6, है ना। तो ये इसका क्या हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुआ, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है और इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, है ना। तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है C4H6। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ अपना। फिर देखते हैं अपन कौन सा एल्डिहाइड कीटोन और साइक्लिक एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन और साइक्लिक एल्कोहल। ठीक है, ऊपर करते हैं अपन इसको, देखिए
एल्डिहाइड, CH3, CH2, CHO, ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है अपना, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अपन देख चुके हैं टेबल के अंदर, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर किसके साथ होगा, कीटोन के साथ। तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो ये कीटोनिक ग्रुप के अंदर चेंज हो गया। और साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल कौन से हुए, ये वाले, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उससे अपना क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ CH है और OH है, ठीक है। काउंट कीजिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 3, 2, 5, 6 और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर देखिए 3 तो कार्बन है और H कितने हैं, 6 है और O है, 3 कार्बन है, H कितने हैं, 6 है और O है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, देख लीजिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है एसिड और एस्टर। एसिड और एस्टर के अंदर देखिए क्या होता है, एसिड और एस्टर, CH3, सी डबल बॉन्ड O, ठीक है, अभी नहीं लगाते यहाँ पर, इसका सेकंड मेंबर शो नहीं करता, CH3, CH2, CH2, सी डबल बॉन्ड O H, ठीक है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, एसिड है। अब ये किसके साथ शो कर रहा है, एस्टर के साथ, तो CH2, सी डबल बॉन्ड O, OCH3, तो ये कौन सा ग्रुप है, एस्टरिक ग्रुप है, ठीक है। ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच में बॉन्ड है, और इधर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो ये एस्टर और एसिड के बीच में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो हो रही है। तो देखिए आप लोग, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, कि देखिए इसके अंदर हमने देखा कि एल्कोहल और ईथर, इनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आई मीन ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम थे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में शो कर रहे थे, एल्काइन और एल्काडाइन्स आपस में शो कर रहे थे, और एल्डिहाइड, कीटोन और साइक्लिक एल्कोहल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, और एसिड और एस्टर भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे थे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आप लोगों की स्टार्ट होती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर देखिए, हियर आइसोमर्स हैव डिफर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कैसे, जैसे अगर कोई भी अपना फंक्शनल जो ग्रुप है, मान लो यहाँ पर अपना जो फंक्शनल ग्रुप है, देखिए कौन सा है, ईथर वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, बाइवेलेंट, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, बाइवेलेंट है ना। तो देखिए इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर इसका नेम क्या है, इथॉक्सी इथेन है, ठीक है, डाइथाइल ईथर इथॉक्सी इथेन, ये इसका IUPAC नेम है। हियर आइसोमर्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है किसके अराउंड, अ बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, है ना। और ये कौन से फंक्शनल ग्रुप वाले शो करेंगे, जिनके अंदर बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे सी डबल बॉन्ड ओ के अपनी दो वैलेंसी के साथ, कीटोनिक ग्रुप के अंदर दो वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये भी कैसा हुआ, बायवेलेंट। सेकेंडरी मींस कैसा हुआ, बायवेलेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए CH3O, CH2, CH2, CH3। अब इसके अंदर हमने ऑक्सीजन को कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक कार्बन आगे शिफ्ट किया, तो यहाँ क्या हुआ, 1-methoxypropene, ये इसका IUPAC नेम हुआ। अब इसके अंदर देखा कि यहाँ पर ये 1, 2, 3 तीन कार्बन की, इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप में चेंज कर दिया, तो ये तीन कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, और इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया, 2 पर, तो 2-methoxypropene बन गया, ठीक है। तो देखिए इसका अपना नेम चेंज हो रहा है, साथ के साथ इसका क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है, ठीक है। और कौन शो कर रहे हैं, जिनके अंदर बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप के लिए देखें, तो अगर ये कीटोनिक ग्रुप यहाँ है बीच में, तो क्या है, पेंटिन 3 ऑन हो गया। अब यदि ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो पेंटिन 2 ऑन हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाए, आइसोप्रोपिल ग्रुप में चेंज हो जाए, तो कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली, तो क्या हो जाएगा, 3-methyl-butane 2 ऑन बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले
डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं और कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म। अब इसके अंदर माइग्रेशन ऑफ एटम टेक प्लेस होता है, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ एटम होता है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं, हम देखते हैं, देखिए इसमें ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है ना। अब इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साइड वाला जो कार्बन होता है उस पर जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो अभी एक ही से काम है, ठीक है, यहाँ पर H है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ जाता है, OH पर, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें एटम का शिफ्ट दिखा रहे हैं, तो अब क्या बन गया अपना, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो सी एच टू सी, और ऊपर क्या आ गया, एच आ गया, तो क्या बन गया अपना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ये बन गया, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं, तो इसको विनाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म, ठीक है, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो इसके अंदर देखिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू इनॉल फॉर्म। अगर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी तो कीटो फॉर्म ज्यादा मात्रा में मिलेगी, और इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होगी तो वो कम अमाउंट में मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होती है तो 100% मिल रहा है और ये नेग्लिजिबल मिल रहा है, लेकिन कभी कभी इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से। तो देखिए वो केस देख लेते हैं अपन, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है, ये है। इसके अंदर देखिए क्या होगा, एक मिनट, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, कितने हैं, थ्री, और अल्फा हाइड्रोजन ये भी हैं, कितने हैं, टू, है ना। अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, क्यों है, क्योंकि इससे दो दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, प्रायोरिटी इसकी है, तो देखिए इसके अंदर जो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगी उसमें क्या होगा, देखिए इसके अंदर यहां से मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, चलो CH3, ठीक है, ये OH, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, मानोगे नहीं, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद, तो देखिए इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके बाद कौन सी रिंग बन रही है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटम की रिंग बन रही है, तो ये बहुत ही स्टेबल होती है, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, और साथ में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, तो इसकी जो इनॉल फॉर्म है, इसकी जो इनॉल फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म से, तो इनॉल फॉर्म ज्यादा मिलेगी, कीटो फॉर्म कम मिलेगी इसके अंदर। तो जिस किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, ठीक है, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही होगी तो उसके अंदर हमारी इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। आया समझ में, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, और कीटोइनोल टोटोमेरिज्म उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर मिलती है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टू टाइप की होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मिलता है। तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है। अब
कंपाउंड शो डिफरेंट रिलेटिव ज्योमेट्री कल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, इसको ऊपर कर देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन जो ए और बी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो आइसोमर शो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जैसे ये दोनों ग्रुप ए ए हो और ये ए बी हो तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जी आई शो नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा शो, ठीक है, जी आई नहीं देगा। अब मान लो ये दोनों भी सेम हो और ये दोनों डिफरेंट हो तो भी जी आई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जी आई एक्टिव होने के लिए क्या जरूरत है कि ए और बी कैसे होने चाहिए, देखिए ये दोनों कैसे होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, मतलब जो डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन है उससे ए और बी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जुड़े होने चाहिए, ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब इन दोनों की नेमिंग होती है, जो अपना आइसोमर शो करता है उसकी भी नेमिंग करते हैं हम कुछ, ठीक है। तो जैसे अगर ए और ए दोनों सेम साइड हो, है ना, ए और ए दोनों सेम साइड हो, जैसे ये दोनों इधर इधर हैं और ये बी और बी, ठीक है, ए ए सेम साइड हैं तो इनको क्या बोला, सिस, ठीक है, और बी बी सेम साइड हैं वो क्या है, ये भी सिस हुआ, ठीक है। अब इसका जो डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं वो कैसा होता है, कुछ ना कुछ होता है, ये साइड लगाएगा, है ना, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन से, अब ये मत सोचना कि ये दोनों एक साइड जुड़े हुए हैं, ये दोनों देखिए इस कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, ए इधर है और बी इधर है, अगर हम इसमें देखें तो भी ए और बी, इसको मैंने रोटेट करके इस तरीके से लिखा है, कई बार बुक में इस तरीके से आता है, कई बार ऐसे आता है, इसीलिए दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अरे अब देखिए ट्रांस आइसोमर देखते हैं इसका, ट्रांस आइसोमर देखते हैं, ट्रांस के अंदर देखिए ए और ए अपोजिट साइड में है, बिल्कुल अपोजिट साइड में है, ठीक है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है, देखो इधर जा रही है इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो बीच में अपोजिट साइड है, तो इसमें ये कौन सी सिमेट्री हुई, ट्रांस सिमेट्री हुई, ठीक है, और इसको सॉरी ये कौन सा कॉन्फिगरेशन हुआ, ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है, और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हुआ, जीरो होता है, ठीक है। जब दोनों ए और ए सेम साइड हो तब तो सिस, और ए और बी अपोजिट साइड में हो तो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट आप लोगों का आता है इसके अंदर ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ही आता है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखिए इसको समझते हैं हम क्या कहना चाह रहा है ये, तो देखिए प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, जैसे कोई लाइट है, ठीक है, लाइट हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन कर रही होती है, ठीक है, अब इसको निकोल प्रिज्म में से निकालते हैं, ठीक है, जो कि इसके वाइब्रेशंस एक साइड कर देता है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, पी पी एल, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब अगर कोई भी कायरल मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है वो इनको क्या कर दे, लाइट को राइट डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज लाइट को, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट कर दे तो इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं उनकी मिरर इमेज के, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कार्बन एटम विच इज अटैच टू, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरत है, जैसे कार्बन एटम है जो कि डिफरेंट डिफरेंट, यहां ओ मान लो, कार्बन एटम विच इज अटैच टू फोर डिफरेंट एटम इज कॉल्ड एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलेंगे,
है ना, एसिमेट्रिक कार्बन एटम और काइरल कार्बन एटम। और इसको क्या बोलते हैं, काइरल कार्बन एटम। ये कार्बन काइरल तो है ना, लेकिन चारों वैलेंसी डिफरेंट हो और मॉलिक्यूल के अंदर ये तीनों एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो वो कैसा हो जाता है, एकायरल हो जाता है। तो एकायरल मॉलिक्यूल हैव दीज सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे हमारा बी है, ठीक है, बी के बीच में से एक प्लेन निकाल दिया जाए, यहाँ से प्लेन निकाल दिया, ठीक है, बी को दो बराबर भागों में कट कर दिया। जैसे ए है, इसके बीच में से एक प्लेन निकाल दिया, तो ए को दो बराबर भागों में कट कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलेंगे, प्लेन, ठीक है, और सिमेट्री को क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी सेंटर, जैसे कोई भी सेंटर है ना, जहाँ से मॉलिक्यूल कि इस साइड चले या फिर इस साइड चले, अब सेम ही कंडीशन मिले तो उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसको देखिए H2O ले लेते हैं, है ना, उसको किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट कराएं, इसको एक्सिस के थ्रू इस तरीके से रोटेट कराएं, है ना, तो जितनी डिग्री ऑफ एंगल से रोटेट करा रहे हैं, है ना, और हमें क्या मिल जाए, सेम इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल मिल जाए। मतलब इसको 180 डिग्री से हमने क्या किया, रोटेट कराया, ये एच ए और ये बी है, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर बी इधर मिल गया और एच ए इधर मिल गया, हमें सेम मॉलिक्यूल मिला पर हमने 180 डिग्री से रोटेट कराया। तो देखिए देखिए ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर सी टू एक्सिस प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो समझ में आया, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमारे ये वाले सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो चाहे वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तब भी वो कैसा होगा, एकायरल होगा, ठीक है, ठीक है। कायरलिटी के लिए क्या जरूरत है, या तो ये सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हो और साथ में अपना कार्बन जो हो वो कैसा हो, एसिमेट्रिक हो, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो कंपाउंड। तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा आइसोमेरिज्म, बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट इन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।